तो आइए देखते हैं कैसा है ये रूम। ये है EQ1 टाइप क्वार्टर्स जो यूजुअली ऑफिसर्स लोगों को दिया जाता है, लेकिन इस बार मैनेजमेंट ने इसे वर्कर्स को भी देने का फैसला किया है। EQ1 से ऊपर ग्रेड का क्वार्टर हम नहीं अलॉट करवा सकते हैं, तो आइए देखते हैं किस तरह से कितनी स्पेस मिलती है आपको क्वार्टर में। जैसे आप देख सकते हैं ये है बहुत बड़ा हॉल, ये काफ़ी बड़ा होगा, एरिया का मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन वर्कर के क्वार्टर के NQ2 टाइप में जितने बड़े हॉल्स होते हैं उनसे तो डबल साइज़ का है। काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। ये अलमारी जिसे आप शेल्फ कह सकते हैं, ये शेल्फ नंबर 1, शेल्फ नंबर 2 एंड शेल्फ नंबर 3। ये हमारा किचन, किचन काफ़ी वेल फर्निश्ड है, इसमें आपको टाइल्स भी मिलती है साथ में सिंक के साथ। ये जैसा देख सकते हैं सिंक, और ये वाइट टाइल्स लगे हुए हैं इसमें, दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। वैसे क्वार्टर काफ़ी पुराना है, ऐसा लगता है सालों से बंद हो गया इसलिए थोड़ा गंदा दिख रहा है, तो वो एक इशू नहीं है, वो तो हम साफ कर लेंगे। ये कुछ स्पेस रखने हैं किचन का, कुछ सामान रखने के लिए स्पेस दिया हुआ है जो काफ़ी हेल्पफुल होगा। आइए चलते हैं अंदर देखते हैं बेडरूम में क्या है। ये है एक बेडरूम जो हॉल से सटा हुआ है। क्वार्टर की हालत थोड़ी ख़राब है, वैसे अलमारी वगैरह है, ये जो पहले रहते होंगे उन्होंने शायद एसी लगाया होगा, विंडो एसी, तो उसका स्पेस यहाँ पे छोड़ा हुआ है। ये मिलता है आपको अलमारी, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है सामान रखने के लिए, कपड़े वगैरह आप आराम से इसमें रख सकते हैं। ये है स्विच बोर्ड, ये है ट्यूबलाइट, बल्ब नहीं है, फैन भी नहीं है, वायर्स लटके हुए हैं यहाँ वहाँ, एनीवेज कोई बात नहीं है। उसके सामने है ये बाथरूम जिसमें दो नल्स भी लगे हुए हैं, एक शावर लगा हुआ है, हम देख सकते हैं छोटा सा शावर। ये हैंगर भी लगा हुआ है, दरवाज़ा भी ठीक है, प्लास्टिक का दरवाज़ा है, उतना बुरा भी नहीं है। सीपेज की परेशानी थोड़ी दिख रही है यहाँ पे, वैसे ये तो कॉमन है आजकल, लगभग सभी क्वार्टरों में सीपेज होती है, तो वो कोई खास इशू नहीं है। साथ में आपको मिलता है एक बेसिन, ये मिलता है मिरर, यहाँ पे है टॉयलेट, टॉयलेट में भी टाइल्स लगा हुआ है, काफ़ी बेहतर लग रहा है दिखने में। सीपेज के कारण यहाँ पे भी थोड़ी परेशानी है, लाइट्स लगी हैं, दरवाजे बाथरूम और टॉयलेट दोनों में दरवाजे प्लास्टिक के मिलेंगे। आइए चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ। ये इसे आप मास्टर बेडरूम कर सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही प्राइवेसी है, सबसे लास्ट में है ये, थोड़ी बहुत सीपेज के कारण यहाँ पे भी दिक्कतें हैं, लेकिन इसको हम शॉर्ट आउट कर लेंगे जल्दी ही। इसमें जाली लगी हुई है, वैसे अच्छा है, मच्छरों से बचा के रखेगा आपको, बुरा नहीं है। साथ में आपको मिलता है ये एक अलमारी, ये है आपका पैसे जिससे आप वापस हॉल में जा सकते हैं। आगे चलते हैं बालकनी में। बालकनी छोटी सी है लेकिन स्वीट सी है, यहाँ बैठ के आप अपने सनराइज सनसेट को एंजॉय कर सकते हैं। देखिए अभी अगर आपको दिख रहा हो तो सनसेट हो रहा है एक्चुअली। एक सिंक है जो पानी भर स्टोरेज के काम आएगा, पानी भर के आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। यहाँ पर कुछ कपड़े धोने के लिए या बर्तन धोने के लिए स्पेस है। यहाँ से मेन रोड आपको साफ नज़र आएगा, हर एक क्वार्टर्स के लिए इंडिविजुअल गैरेज है जो यहाँ पे है, और कुछ गैरेज यहाँ पे हैं।
वैसे मेरा गैरेज इन दोनों में से कोई नहीं है, मेरा गैरेज मेरी बिल्डिंग के सामने है। तो ये बाहर चलते हैं, देखते हैं गैरेज कहाँ है। से दिख रही है हॉल, बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग लगी है यहाँ। थोड़ा सा मेकओवर की ज़रूरत है रूम में और रूम बेहतरीन लगने लगेगा। अभी भी अच्छा लग रहा है लेकिन थोड़ा सा मेकओवर हो जाए तो ये बेहतरीन हो जाएगा। हम फिर से आ गए हैं बालकनी में और ये जो आप गैरेज यहाँ देख रहे हैं इन सब के ऊपर क्वार्टर नंबर्स लिखे हुए हैं। मेरा गैरेज यहाँ से सेकंड नंबर पे है, 10E, दैट इज़ माय क्वार्टर नंबर। नीचे के फ्लोर्स में जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलती है क्वार्टर के बाहर, जिसे आप गार्डनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, पार्किंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्वार्टर है इस तरफ जो फिलहाल वैकेंट है, वैसे ये क्वार्टर भी मैं आपको दिखा दूं वैकेंट है लेकिन ताला इसका टूटा हुआ है। ये देखते हैं इस क्वार्टर की हालत कैसी है। ये क्वार्टर वैसे उस क्वार्टर से काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रहा है, वेल मेंटेन्ड है। अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा नहीं था ये क्वार्टर पहले, नहीं तो मैं इसी को अलर्ट करवा लेता। डिज़ाइन सभी क्वार्टर्स का सेम है, कुछ भी डिज़ाइन में चेंजिंग नहीं है। इसमें भी शायद एसी लगा होगा पहले, इसलिए यहाँ पे कटिंग दी हुई है। बाकी सब कुछ हर एक रूम का सेम है, जो उस क्वार्टर में था वही इस क्वार्टर में भी है। चलिए चलते हैं किसी और के रूम में, इतनी देर घूमना अच्छी बात नहीं है। ये एरिया थोड़ा ख़राब दिख रहा है, इसको मैं ठीक करवाऊंगा।